देश की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा के उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होगा। इसी के साथ राजस्थान में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस ने दोनों सीट जीतने का अपना अपना दावा किया है। गौरतलब है कि इनमें से प्रतापगढ़ जिले की धरियावद सीट भाजपा के पास और उदयपुर जिले की वल्लभनगर सीट कांग्रेस के पास है। ये दोनों सीट भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा और गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन से खाली हुई। प्रत्याशी चयन की मशक्कत दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने पहले से ही शुरू कर दी थी और मतदान की तारीख 30 अक्टूबर तय होने के साथ ही भाजपा कांग्रेस ने जीत के अपने अपने दावे भी कर दिए। पंचायत चुनाव हमने जीते हैं, नगर पालिका के चुनाव हमने जीते हैं और जिस प्रकार से अभी जो प्रशासन गाँव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ जो अभियान चलेगा और जो 2008 से 13 में हमारा ऐतिहासिक रहा था और जिस प्रकार से जो पट्टे देने का काम और अन्य जनता की समस्याओं के समाधान का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने हाथ में लिया, उससे जनता में बहुत उत्साह है और हम लोग चुनाव बहुत अच्छे तरीके से जीते। 100% इन इलेक्शंस में जीत कांग्रेस पार्टी की होगी, गहलोत सरकार के काम की होगी और हम लोगों ने जो काम किया है वो जनकल्याण और विकास का काम किया। जहाँ जनकल्याण और विकास का मॉडल लेकर सरकार काम कर रही हो, जहाँ राम राज्य को आधार मानकर सरकार काम करती हो, तो वहाँ सरकार को निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए जनता आशीर्वाद देगी और मुझे पक्की उम्मीद है कि हम धरियावद और वल्लभ नगर दोनों चुनाव जीत कर आए। देखो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, धरियावद तो 100% जाएगी और वल्लभ नगर ट्रायंगल होगा जरूर, लेकिन ट्रायंगल में भी आपकी बार भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और 100% जीतेंगे। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रशासनिक अमला भी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने की तैयारियों में जुट गया। चुनाव की तैयारियों को लेकर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और दोनों जिलों के कलेक्टर और SP से चर्चा की। दरियावद 157 और वल्लभ नगर 155 की चुनाव आयोग द्वारा घोषणा कर दी गई है, उसी के साथ आचार संहिता लग चुकी है तथा चुनाव 30 अक्टूबर को होंगे और इस बार जो व्यवस्था की गई है काउंटिंग होगी 2/11 को और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है 13/10 और डेट ऑफ स्क्रूटनी है 11/10। इस तरह से 1 से 8 तक नॉमिनेशंस लिए जाएंगे। उदयपुर जिले की वल्लभ नगर सीट 1998 से ही सत्ता के साथ चलती रही है, वहीं प्रतापगढ़ जिले की धरियावद सीट गठन से ही सत्ता के साथ रही, लेकिन पहली बार 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा के गौतम लाल मीणा ने जीत दर्ज कर नया रिकॉर्ड बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जनटी में स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश के 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीट के लिए बाई इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया गया है। 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे। लेकिन बात राजस्थान की, राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभ नगर और प्रतापगढ़ की धरियावद सीट के लिए भी बाई इलेक्शन होना है। 1 सीट भाजपा के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में है। वल्लभ नगर कांग्रेस के पास और धरियावद सीट भाजपा के पास में है। बड़ी रोचक बात यह है कि धरियावद सीट आजादी से अब तक, जब से 1952 से असेंबली फॉर्म हुई तब से,
पहली बार अपोजिशन के पास में ही सीट गई, बड़ी रोचक बात है। और वल्लभ नगर 1998 में से हमेशा सत्ता पक्ष के साथ में चली है। जब जिसकी सत्ता होती है, एक बार के लिए निर्दलीय के रूप में भिंडर जीते वहां से, रणधीर सिंह भिंडर, वो बीजेपी समर्थित रहे, तो इस लिहाज से भी कहें कि वो सत्ता के साथ ही हमेशा एक ट्रेंड सा बन गया है। लेकिन बाई इलेक्शन दोनों ही दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में है कि मेवाड़ को लेकर के बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। हाल ही में अभी वहां मंथन शिविर भी हुआ और जो चिंतन मंथन हुआ उसका भी एक मायने यही निकाले जा रहे हैं कि दोनों बाई इलेक्शन पे वहां कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन मिले और दमखम के साथ चुनाव लड़ सके। यहां एक बात कोट करने होगी कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गए लेकिन प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुए हैं और दोनों ही पार्टियों के लिए सहज नहीं है। खासकर बात करें वल्लभ नगर, वल्लभ नगर का जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए मैं शुरू करूंगा और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस सीट से कौन कब क्या रहा, कितने मतदाता है, कितने बूथ हैं, तमाम जो चीजें हैं वो एक आपकी इंफॉर्मेशन के लिहाज से। इलेक्शन डिपार्टमेंट ने अपना काम भी शुरू कर दिया है, एसपी कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रवीण गुप्ता जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर ली है, राजनीतिक दलों से चर्चा हो गई है, सलाह मशवरा हो गया है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा नेता मुकेश पारिक जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, दोनों इलेक्शन दोनों सीट बहुत जरूरी है और दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती भी है, तो किस तरह से देखा जाए, ज्यादा दिक्कत का सामना राजनीतिक दलों को टिकट चयन में वल्लभ नगर में करना पड़ेगा या धरियावद में, या दोनों में ही दिक्कत रहेगी? देखिए योगेंद्र जी, ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से पहले जो तीन चुनाव हुए और तीनों में ही पारिवारिक तरीके से टिकट दिया गया और जीत हार का सामने देखना पड़ा, जो परिवार के लोग जीत के भी आए, ये बात भी सही है। यहाँ पे भी यही बात है कि दोनों दिवंगत नेता हैं, बीजेपी के गौतम है तो उधर गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके परिवार, देखिए बीजेपी चाहेगी कि गौतम के परिवार को टिकट दिया जाए और कांग्रेस चाहेगी कि उनके परिवार को टिकट जाए। लेकिन विवाद का विषय यहाँ पर ये आ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण सीट है वल्लभ नगर, और वल्लभ नगर में कांग्रेस के पास भी एक चुनौती है और बीजेपी के सामने भी चुनौती है। दोनों टिकट किसको देंगे किसको नहीं देंगे, एक बहुत बड़ा वहां दोनों के सामने पार्टी चाहती है। देखिए अशोक गहलोत से कुछ दिन पहले ही गजेंद्र सिंह की पत्नी मिलके गई थी तो उनके भाई ने बाकायदा बिगुल भगा दिया कि मुझे टिकट नहीं दिया देवेंद्र सिंह ने तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, एक चीज वो सामने खड़ी हुई है। उधर रणवीर भिंडर है जो जनता सेना उन्होंने बना रखी है और वहां का प्रधान भी उनका जीता है और जिला परिषद में भी उनका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है, तो वहां पर गुलाबचंद कटारिया उसको उनको टिकट नहीं देना चाहते। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चाहते हैं और उनको वह नेता भी मानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अगर वो कहेंगी तो कुछ भी फैसला संभव है। तो यहाँ ये बात सही है कि वल्लभ नगर दोनों ही पार्टी के लिए कैंडिडेट का चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय रहेगा, और अगर कैंडिडेट दोनों के हिसाब से सही तरीके से होंगे तो जीत में फिर परिवार जीतेगा या दिवंगत नेता जीतेंगे, एक बहुत बड़ा दोनों पार्टी के सामने है। और चिंतन शिविर आपने सही कहा कि आने वाले समय, कुछ दिन पहले उन्होंने चिंतन शिविर इसलिए किया कि वहां के कार्यकर्ताओं को यह दिलासा देने का प्रयास किया कि पार्टी आपके साथ है, पार्टी के नेता आपके पास आए, आप पार्टी की लाज रखना। मेवाड़ का संदेश क्या है, भाजपा की स्थिति ठीक है या कांग्रेस की स्थिति ठीक है, ये दोनों ही पार्टी फैसला करना चाहेंगे। और आदिवासी क्षेत्र में जिस प्रकार से गौतम वहां के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के खास थे और वो कोरोना के कारण दोनों ही की डेथ हुई है, तो ये बात सही है कि बहुत बड़ा संदेश पार्टी में भी जाएगा कि आप देखिएगा कि क्या गोविंद सिंह डोडासरा अपनी धाक जमा पाते हैं या सतीश पूनिया, दोनों ही जाट नेता हैं लेकिन वहां जाति का आधार वो नहीं है, वहां पर बिल्कुल अलग तरीके की स्थितियां हैं। तो पार्टी अपने तरीके से चुनाव लड़ेगी और आने वाले समय में ये संदेश भी जाएगा कि किसकी स्थिति ठीक है किसकी कमजोर है जी। और कांग्रेस में कुछ नेता आपस में मिल भी लिए हैं, देखिए रघुवीर मीणा की बात करें या बाकी लोग की बात करें, महेंद्रजीत मालवीय की बात करें, तो एक अलग राजनीतिक समीकरण सामने उभर के सामने आ रहा है। तो दोनों के सामने चुनौती है और चुनौती को किस प्रकार से सहन करेंगे आपको सामने आने वाला समय
और परिणाम बताएगा इस चीजों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और क्योंकि निश्चित रूप से दोनों सीट के लिए बाई इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग 5 लाख से ज्यादा मतदाता अपना मताधिकार का इसमें प्रयोग कर सकेंगे। और प्रतापगढ़ जिले में दो विधानसभा सीटें, एक प्रतापगढ़ दूसरी खरियाबंद, और दोनों ही एसटी के लिए हैं, और आदिवासी क्षेत्र है, उदयपुर से अलग करके उसे जिला बनाया गया। तो देखना होगा कि क्या इंपोर्टेंट चीजें सामने आती हैं। आरसी चौधरी जी, आपके साथ आना चाहूंगा मैं। चलिए जी, आरसी चौधरी साहब जी, बड़ी बात यह है कि सत्ता में कांग्रेस है जी, एक सीट कांग्रेस के खाते में, एक बीजेपी के खाते में है। चुनाव परिणाम जो भी होगा, कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी तो हम आपकी तैयारियों को लेकर के बात समझना चाहेंगे, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है तो टिकट लेने वालों की भीड़ भी आप लोगों के पास में बीजेपी की तरह काफी है। चुनौती दोनों ही सीट पे आपके सामने भी है और बीजेपी के सामने भी है, लेकिन वल्लभ नगर को लेकर के पार्टी ने पत्ते खोले हो नहीं खोले हो, लेकिन वहां विद्रोह का बिगुल पहले ही बज गया है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए दिक्कत हो सकती है। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर हमारे पास ये दुर्भाग्य है कि हमने हमारे दो नेताओं को खोया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, दोनों ही जिलों की जनता ने भी चुन के भेजा। सबसे पहले तो मैं उन दिग्वंत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उनके जो जितने भी जो समर्थक हैं, जो जितने जो उनके वेलविशर हैं, उन सबको भी ये कष्ट देने की, शक्ति देने की लगातार प्रार्थना करते रहे। रही बात लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव है, उस चुनाव के अंदर चुनौतियां राजनीतिक दलों के तौर पे होती हैं और होनी भी चाहिए। चुनौतियां इसलिए होनी चाहिए कि जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता के बीच में जो 2.5 साल कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया, जो कार्यकर्ता इस वैश्विक महामारी में सुख दुख में उनमें भागीदार बने, और राजस्थान ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ला के प्रदेश के लोगों को सुरक्षा की एक सौगात दी, जो आपदा में जो अवसर ढूंढने का जो काम होता है, आपदा से जो उभरने का जो काम होता है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। राजस्थान की शादी 7 करोड़ जनता आज स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं है, वो जानती है कि चाहे निजी अस्पताल हो चाहे कहीं पे दूसरी जगह हो, और राजस्थान की जनता ने समय समय पे जितने भी जो चुनाव हुए, चाहे शहरी चुनाव हो चाहे ग्रामीण चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, उस चुनाव के अंदर आशीर्वाद दिया और हमारा पार्टी का मत प्रतिशत भी बढ़ा, पार्टी का जो वोटों का डिफरेंस था वो भी बढ़ा, और जो जीत थी वो जीत ऐतिहासिक तौर पर हुई। मैं मानता हूं कि जो आने वाले 2 विधानसभा के चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पे विजयी होंगे, और हम जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार थी, जो द्वेषतापूर्ण जो एक भाव रखा राजस्थान के साथ में, राजस्थान को जो हिस्सेदारी जो देनी चाहिए सरकार अभी भी है, आरसी चौधरी की सरकार अभी भी है। मैं कह रहा हूँ कि केंद्र की जो सरकार है, जिसने केंद्र की जो सरकार है 25 सांसद भी जिता के भेजे, लेकिन वो हमारी बात को रखने में नाकाम रहे, राजस्थान के हित को रखने में नाकाम रहे। वो व्यक्ति सिर्फ वो जानते हैं, और जब जनता उनके पास में जाती है तो जनता को वो कहते हैं कि आपने वोट मोदी जी को दिया था, अब मोदी जी हमें कहते हैं कि ये तो जीत के मेरी वजह से आए हो, आपका क्या हैसियत है वहां पे। इसलिए अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जानती है कि हम जिस जनप्रतिनिधि को चुना के भेजेंगे वो जनता की आवाज को सदन के अंदर मुखर कर सके। वापस आऊंगा, वापस आ रहा हूँ मुकेश जी के पास जाना चाहूंगा। मुकेश जी, अभी आपने सुना कि दोनों सीट पे कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, आपकी पार्टी के नेता भी कर रहे हैं, कांग्रेस का साफ कहना है कि राजस्थान में कोविड प्रबंधन सहित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके आधार पर जनता उन्हें मतदान करेगी, बीजेपी का क्या दावा है यहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से चुनाव लड़ती है, और हमारे जो कार्यकर्ताओं की जो टीम है बूथ स्तर पर और पन्ना प्रमुख की, वो हमारी चुनाव की तैयारी निरंतर हमारी रहती है, और उस तैयारी के आधार पर हमारे कार्यकर्ताओं का घर घर संपर्क रहता है, और वो हमारी एक सब में बड़ी ताकत होती है, उस ताकत के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। जहां तक चौधरी जी की बात है, चौधरी जी ने कुछ बात रखी कि जिनके आधार पर हम जीतेंगे, ये बात सही है कि उपचुनाव में जब सरकार होती है तो सरकार का प्रभाव होता है, और सरकारी मशीनरी का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा सकता है उसको कांग्रेस अच्छी तरीके से बखूबी निभाना जानती है, लेकिन वो सब प्रयासों के बावजूद भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारा संगठन है, हमारे जो कार्यकर्ताओं की टीम है, और जो जिस प्रकार से कांग्रेस की जो असफलताएं रही है राजस्थान में, अभी इन्होंने एक ही चीज का यहां पर दावा किया, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा। चौधरी जी ने कहा चिरंजीवी योजना के माध्यम से लाखों लोग कवर हुए, हम रोजाना समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल रहा है
कि जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उन्होंने चिरंजीवी योजना को मरीज का इलाज करने से मना कर दिया, उसको उसका ये फ्री इलाज नहीं हो, उनसे पैसे मांग लिए। हम रोजाना आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिल रहे हैं। ये बात सही है कि इन्होंने अपने कंट्रोल रूम भी उसके लिए बनाए हैं, उसके लिए कुछ नंबर्स भी दिए हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो भामाशाह योजना थी, अगर हम उससे तुलना करते हैं तो उसके सामने चिरंजीवी योजना का जो मूलभूत जो इनकी सिस्टम है वो बहुत ही कमजोर है, और उसके द्वारा जो गरीबों को इलाज मिलना चाहिए उस प्रकार का नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा जो 2.5 साल में कांग्रेस सरकार की जो रही है, मुकेश जी अभी आप कह रहे हैं भामाशाह योजना को साथ में चिरंजीव योजना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, देखिए सरकारें घोषणा करती हैं, आपकी सरकार भी हो चाहे वर्तमान सरकार हो, कि हाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी गरीब को एक बिल्कुल बड़े लग्जरी से उस तरह से उनको इलाज मिल सकेगा, लेकिन सच्चाई बहुत अच्छे से जानते हैं आप, ऊपर जो लोग बैठते हैं मैं उनकी नहीं बात करना चाहूंगा कि उन्हें कितनी सच्चाई से अवगत कराया जाता है, लेकिन आपको मालूम है भामाशाह योजना की हकीकत भी, और आरसी चौधरी जी को याद बहुत अच्छे से मालूम उसमें योजना की भी। बिल्कुल, मैं अगर योगेंद्र जी आपको हकीकत बताएंगे तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। नहीं नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूं ये बात कि आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा, जो सत्ता में जनप्रतिनिधि के रूप में बैठते हैं उनका मानस साफ होता है, उनकी इच्छा होती है। चिरंजीवी योजना का कोई दिन ऐसा नहीं होता। मैं योगेंद्र जी खाली आपको मैं प्रमाण के बता सकता हूँ कि चिरंजीवी योजना में कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन पीड़ित ये नहीं कहता हो कि साहब हमको फला हॉस्पिटल ने जो लिस्टेड है उसने इलाज करने से मना कर दिया, या उसने हमारे को हमसे चार्ज कर लिया, पेमेंट ले लिया। पूरी तरीके से जो इनकी सरकारी मशीनरी है या जो मेडिकल विभाग है या जो जिसके अंतर्गत चिरंजीवी योजना का जिसकी मॉनिटरिंग है, वो अभी तक इस मामले में सफल नहीं हुई है, और आए दिन गरीबों को इसके लिए भटकना पड़ता है, ये सत्य है। उसके आधार पे तो कोई वोट नहीं मिलेगा। नहीं, इन्होंने उल्लेख किया इसलिए मैंने एक चीज का बताया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रमाण है। अभी ये इन्होंने कहा कि साहब हमारे को केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है। अगर केंद्र सरकार आपके साथ भेदभाव करती तो आज वैक्सीनेशन में राजस्थान दूसरे और तीसरे नंबर पे कैसे आ जाता, कैसे रिकॉर्ड टीकाकरण हमारे यहाँ होता। आप तो कहते पहले कह रहे थे हमको वैक्सीन ही नहीं मिल रही, तो ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में जिस प्रकार से इस कोविड की जो महामारी के लिए जिस प्रकार से मदद की गई सभी राज्यों को, और उन्होंने पूरी भरपूर सबके साथ एकता एक समानता रखी, इसमें कहीं किए अगर कोई ऐसा कहती है कोई पार्टी कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है तो वो गलत कहती है। मैं वापस आ रहा हूँ सर, दो मुद्दे भी सामने निकल करके आए हैं। एक तो हेल्थ रिलीफ जो है उसको लेकर के, चाहे चिरंजीव योजना हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार की भामाशाही योजना हो, सच्चाई को सुनना भी पसंद नहीं करता है, और हर कोई यही देखना चाहता है कि हमारे वक्त की चीज की तारीफ होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा कि भामाशाही योजना की स्थिति कभी क्या हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने वो लगा दिया कि नो एंट्री फॉर भामाशाह कार्ड होल्डर्स, बकायदा लगाया कि हमारे इतने लाख इतने करोड़ रुपए बकाया है पहले वो भुगतान हो। और मोस्ट सारे हॉस्पिटल्स में चिरंजीव योजना को लेकर के भी मैं कहना चाहूंगा कि कई हॉस्पिटल वो मना कर देते हैं कि हम लिस्टेड नहीं है, या फिर कहते हैं कि नहीं ये चीज इसमें नहीं हो सकती, ये इस दायरे में नहीं आ सकता। खैर चलिए, अभी जो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्या लगता है आपको कि चाहे भामाशाही योजना हो, चाहे चिरंजीव योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, या फिर दूसरे मुद्दे हो, इन दोनों बाई इलेक्शन में कुछ असर होगा इनका, या फिर वहां के लोकल इश्यूज ही चलेंगे, इनको कोई नहीं पूछने वाला? योगेंद्र जी, केवल भाषण को और उसका क्या कह लो तो बात अलग है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ने निश्चित रूप से, आपने देखा कि ये चुनाव वल्लभ नगर वाला तो पहले ही होने वाला था, वो छूट गया था, इसके कारण से उन्होंने विकास के काम कितने कर दिए तो पता है, अगर बात करेंगे तो दोनों तरफ का यह है। लेकिन चुनाव में बहुत सारी चीजें ये मायने नहीं करी। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी में टिकट का बंटवारा सही तरीके से हो जाए और बागी खड़ा नहीं हो, दोनों ही पार्टी। देखिए वल्लभ नगर में तो दोनों की स्थिति ऐसी है, बागी खड़े होंगे, और बाकी सेना को साथ में लेना, और इधर प्रीति सिंह और जो उनके ब्रदर हैं गजेंद्र सिंह जी के, उन दोनों को साथ में लाना दोनों के लिए चुनौती। इधर बीजेपी के लिए चुनौती भी है कि गुलाब चंद जी कटारिया को मनाना, जनता सेना को मर्ज करना, रणधीर सिंह भिंडर को टिकट देना। अगर टिकट नहीं मिलता है तो रणधीर सिंह भिंडर नुकसान करेंगे, वो बीजेपी का नुकसान होगा, तो यहाँ कुछ स्थिति अजीब तरह की रहेगी दोनों ही पार्टियों के लिए। तो ये मुझे लगता है कि बयानों से ज्यादा चुनौती तो वहां अभी टिकट बंटवारे की होगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि टिकट का शांतिपूर्वक बंटवारा हो जाए,
और मैं क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह को मना सकते हैं, उनको कहेंगे निगम बोर्ड का अध्यक्ष बना देंगे, किसी का कुछ दे देंगे, तो हो सकता है वो शांत होकर बैठ जाए। लेकिन अभी तक हम कह दें कि शांतिपूर्वक ये सब कुछ संभव हो पाएगा, ये मेरे को नहीं लगता। लेकिन ये बात सही है कि आप धरियाबाद में निश्चित रूप से बीजेपी के प्लस पॉइंट है, क्योंकि वहां पर उनके पुराने विधायक थे, उनके पारिवारिक तरीके से फैसला होगा तो उनके परिवार में टिकट दे दिया जाएगा। तो पहले भी देखा आपने, परिवार के लोग जीत गए, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, कोई काम नहीं आ रहा के कारण। तो इसलिए ये चुनाव में निश्चित रूप से आप आने वाला बहुत सारी चीजें, भले ही कुछ भी कह दो कि हम प्रधानमंत्री के कारण चुनाव जीतेगा, कोई किसके कारण नहीं, पारिवारिक परिस्थितियों के अनुरूप चुनाव लड़ा जाएगा। और टिकट का बंटवारा सही तरीके से दोनों पार्टियों ने कर लिया तो निश्चित रूप से स्थिति मजबूत हो सकती है, नहीं तो आप किधर भी जा सकता है चुनाव। तो ये दोनों पार्टी के लिए एक चर्चा करना लाजमी होगा यहाँ पे कि देखिए बीजेपी का प्रभाव, उसी के साथ में यहाँ पे जनता दल का बड़ा प्रभाव रहा, खासकर दरियाबंद में इस सीट पर। कमलेंद्र सिंह जी यहाँ से विधायक बनते रहे जनता दल के लिए, और अब जनता दल का क्योंकि वो थर्ड फ्रंट जैसी कोई चीज बची नहीं है, तो अब बीजेपी और कांग्रेस का सीधा रुझान रहेगा। यहाँ क्या बीटीपी कुछ एक्सेप्ट कर सकती है श्याम जी? आदिवासी इलाके में तो आपने देखा बीटीपी का प्रभाव है। अब बीटीपी का व्यक्ति कौन खड़ा होता है प्रभावशाली, तो बहुत सारी पंचर करने की स्थिति पैदा हो सकती है। बीटीपी अगर अच्छा व्यक्ति खड़ा कर देगी तो हो सकता है वो भी जीत सकती है। तो बहुत सारी चीजें, ये देखिएगा कि मेवाड़ का चुनाव और संदेश आगे वाला कि पार्टी में किसमें दम है किसमें नहीं है, बहुत सारे फैसले करेगा ये उपचुनाव। और आने वाला समय बीजेपी और कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति नहीं देने वाला है, इसलिए शांतिपूर्वक चुनाव हो जाए, टिकट का बंटवारा ढंग से हो जाए और सब कुछ हो जाए, नहीं तो फिर दोनों पार्टी को खामियाजा पे भुगतना पड़ सकता है चुनाव के अंदर। देखिए यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि जैसे इलेक्शन डिक्लेयर है उसी तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में, जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, धर्मेंद्र राठौर जो राजनीतिक रूप से काफी कांग्रेस में, और प्रताप सिंह खाचरियावास जो उदयपुर के प्रभारी है। ये मैं चर्चा इस वजह से कर रहा हूँ कि धरियावत वल्लभ नगर करके बीजेपी में भी इसी तरह से चर्चाएं कई बार हो चुकी हैं। गुलाबचंद जी कटारिया अपनी बात कह चुके हैं, वो साफ कह चुके हैं कि कुछ भी हो लेकिन को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन जो वाइफ है वो लगातार बीजेपी से टच में रही है, उन्होंने बीजेपी के अभी भी सदस्य के रूप में है वो, तो उस रूप से ये भी देखा जा रहा है कि उनको टिकट दे दिया जाए। लेकिन परिवार में से किसी देंगे गुलाबचंद कटारिया, अब वो कितनी जिद उनकी कारगर रहेगी ये कटारिया के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी होगी। क्योंकि वसुंधरा राजे का अगर पिछले तीन इलेक्शन बाई इलेक्शन जो उसमें देखें तो बहुत ज्यादा दखल और उनको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी गई टिकट बंटवारे में। अभी इस टिकट पे कितना क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मुकेश जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, तो यहाँ टिकट बंटवारे की जो बात मैं कर रहा हूँ, अभी तो बयानों से ज्यादा चिंता इस बात की करनी चाहिए कि यहाँ टिकट का क्या होगा, क्योंकि कटारिया जी साफ संकेत दे चुके हैं। और उसके अलावा कांग्रेस एक मुद्दा और बना सकती है महाराणा प्रताप का, जो कटारिया जी के बयान कोट कर सकती है। हालांकि यहाँ में आप कहेंगे कि जवाब भी मेरा भी यही होता, क्योंकि राजसमंद इलेक्शन की बात सामने आई थी और वो महेश्वरी को जीतने के साथ ही मुझे लगता है कि खारिज हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी उसे कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कुछ दिन पहले ही प्रताप सिंह खाचरियावास जो प्रभारी भी हैं उन्होंने बयान भी दिया, तो इस तरह से बयानबाजी पे कुछ रहेगा या फिर कोशिश की जाएगी कटारिया जी की नाराजगी को बांटने की कोशिश की जाएगी? अभी तो मुझे लगता है मुद्दों से बड़ी चिंता तो आपके सामने यही होगी। आपने महाराणा प्रताप का विषय रखा, अकबर को महान बनाने वाली पार्टी महाराणा प्रताप को सिर्फ राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रही है, जिसको चाहे मेवाड़ की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता इस बात को जानती है कि महाराणा प्रताप को मानने वाले कौन है और अकबर महान को मानने वाले कौन है। जहां तक आप टिकट बंटवारे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नीचे के स्तर से लेके और जो भी हमारा प्रदेश नेतृत्व है फीडबैक लेके और टिकट तय करेगा कि किसको वहां से उम्मीदवार बनाना है, और उस उम्मीदवार को केंद्र के द्वारा संसदीय बोर्ड के द्वारा उसको मंजूरी दी जाएगी, उम्मीदवार वही होगा। उम्मीदवार का जो भी पार्टी का जो तरीका है उसके तरीके से पार्टी तय करेगी। और मेरा ये मानना है कि संगठन पूरी अपनी ताकत के साथ और सारा संगठन एक मुखी होके इन दोनों चुनाव उपचुनावों को लड़ेंगे
और इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारा जो अब तक जिस प्रकार से टिकट वितरण होता रहा है उसी प्रकार से ये टिकट भी घोषित किए जाएंगे और पूरी पार्टी टिकट उम्मीदवार फाइनल होने के बाद पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। देखिए अभी क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं, हम उस प्रारंभिक स्टेज की बात कर रहे हैं जो एक कार्यकर्ता एक नेता के रूप में जो सामने पिक्चर दिखाई देती है वही सब बातें हम कर रहे हैं। जैसे जैसे समय आएगा बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, क्या मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, कौन प्रत्याशी होगा, क्या कितनी धार का सत्ता राजनीतिक दल होगा, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन आज मैं यही चर्चा करना चाहूंगा, आशीष चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। विवाद है, महाराणा प्रताप बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इसे मुद्दा बना रही है। योगेंद्र जी मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जो भी डिबेट शुरू की तो सकारात्मक मुद्दों पे की। अगर जनता के बीच में जाएंगे, ढाई साल बाद में जाएंगे तो आप किन बातों को लेके जाएंगे, एक बात की मैंने चर्चा की और उस बात की चर्चा को भामाशाह के कार्ड के साथ में दबाया नहीं जा सकता। भामाशाह पूरे प्रदेश के लोगों को नहीं देती थी, उसका जो डिफरेंस है एक बड़ा डिफरेंस है, अगर मैं कहूंगा तो 2-3 मिनट लगेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई भी ऐसा अचीवमेंट नहीं है जिसको लेके वो जा पाए। उन्होंने कहा हमारे संगठन के अच्छे अच्छे जाएंगे, ये निश्चित रूप से पन्ना प्रमुख की बात करते रहते थे और 180 का 2018 के अंदर भी दावा करते थे, लेकिन जनता ने इस अंगद के पांव को उठा के फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान को क्या दिया? आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी 45 साल चरम पे है, 11 महीने से अन्नदाता सड़कों पे है, अन्नदाता की मौतें हो रही है, जिन लोगों के छोटे मोटे उद्योग हैं वो अस्त व्यस्त हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में जो मुख्यमंत्री चेहरों के तौर पर आठ थे उसमें एक नया भूपेंद्र यादव जी और जोड़ दिए, जिस मेवाड़ की धरा पे इन्होंने अपना चिंतन शिविर रखा चुनाव की चिंता को लेकर। लेकिन जनता जानती है कि तुम्हारे चिंतन में राजस्थान की जनता कब थी। आज वहां पे भीलवाड़ा में मेमो कोच का प्रोजेक्ट था, माननीय सीपी जोशी जी के समय पे उनको सैंक्शन हुआ, आज नहीं बना पाए। वहां पे डूंगरपुर और रतलाम रेलवे लाइन है वो नहीं बना पाए। ये पन्ना प्रमुख की बात करने वाले लोग ये जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, दुनिया की सबसे धनी पार्टी है जो धन के आधार पे जनता के जनादेश को कुचलने का काम करती है। ये जनता जानती है ढोंगी और पाखंडी पार्टी है। और ये जो आज कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप का हम सम्मान करते हैं, ये वही लोग हैं। आज मैं कहना चाहूंगा शहीद भगत सिंह की जयंती है, उस शहीद भगत सिंह के आगे कभी वीर नहीं लगा, लेकिन हिंदुस्तान की रू रू जानती है कि वो शहीद भगत सिंह सबके प्रेरणा का स्रोत है। और इन्होंने जिसको वीर कहा, जो वीर सावरकर, जिसको वीर की उपाधि सावरकर को, उन्होंने माफी मांगी। अरे आप लोग कब से ये बातें करने लग गए, आपके तो एजेंडे में खाली इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी होते थे, आपको वीरों से कम मतलब। आपको वीरों से कम मतलब हो गया। अरे आप राम को नहीं मानते, आप महाराणा प्रताप को नहीं मानते, आप वीर सावरकर को नहीं मानते, आप सरदार पटेल को नहीं मानते, आप कब से ऐसी बातें करने लगे। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मैंने आपको बिल्कुल व्यवधान नहीं डाला, लेकिन आप बीच में बोल रहे हैं। नहीं आप गलत, आप नहीं, आप सच्चे बोलेंगे तो मैं आपका बिल्कुल बोल नहीं, आप ये कह रहे हैं। नहीं मैं एक चीज खाली बीच में बोलूंगा, आपने इस बात को तो मान लिया कि अगली बार बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है, बार बार मुख्यमंत्रियों के चेहरे, तो इसका मतलब ये तय है कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का बनेगा। अब ठीक है आप 8 चेहरे बताएं या 7 चेहरे बताएं, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा ये तय है। वो हमारा जो मार्जिन है कितना बड़ा मार्जिन रहा। और दूसरा श्याम जी ने कहा कि वहां पे जो विवाद है, मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से कांग्रेस से लोग जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस की टिकट लेना चाहते हैं, और लोग तभी टिकट लेना चाहते हैं जब जीत का वहां पे उन्हें उम्मीद दिखती हो। और मैं रोकना चाहूंगा आरसी चौधरी जी, समय का अभाव है। हम केवल आज ये बातें लेना चाह रहे थे आप लोगों के माध्यम से कि कार्यकर्ता कितना तैयार है, क्या उसके अंदर चल रहा है नेताओं के साथ साथ, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी अगर हम कोई बात करें तो कार्यकर्ता से आप बात करिए, नेताओं को वही तस्वीर ऊपर दिखाई देती है जो नीचे से फीडबैक मिलता है। लेकिन जनता की सेवा करने से जनता आशीर्वाद देती है। हमारे नेताओं ने एक कहा, जनता जनार्दन है, हम इसके ट्रस्टी है, हमने इसकी सेवा की और कांग्रेस के कार्यकर्ता को यह पूर्ण भरोसा है कि जनता उन्हें आशीर्वाद देगी ताकि हमारा हौसला और हो और ज्यादा जवाबदेही के साथ में हमारे दायित्व का निर्वहन करें। आपने हिसाब भी मांगेगी, ढाई साल का जनता हिसाब भी मांगेगी, ढाई साल का जिस प्रकार से बेरोजगारों को आज तक भत्ता नहीं दिया,
आपके अकर्मण्यता के कारण किसानों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, आपके कारण किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, आपके कारण बेरोजगारों की स्थिति आपने ये कर दी, वो जनता भी जवाब मांगेगी। आप चिंता मत करिए, मैं रोकना चाहूंगा। दोनों राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं कि दोनों सीट हमारे कब्जे में होंगी, आधार क्या होगा, दोनों का वही एक ही जवाब है कि हमें इस आधार पर वोट मिलेंगे। बहुत जल्दबाजी है अभी दावे करने की, अभी सारी चीजें तय हो पाएंगी कि टिकट किसको मिलता है, खासकर वल्लभ नगर में, क्योंकि दोनों ही तरफ पे बड़ी चुनौती है दोनों ही पार्टियों के लिए कि टिकट किसको दिया जाए और क्या स्थितियां बनेंगी। ये देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे चीजें सामने आएगी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो दर्शक हमारे वहां से जुड़े हुए हैं उनसे हम जरूर गुजारिश करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखें, ध्यान दें और आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। भावनाओं का ख्याल रखते होते अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए। शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।